नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। पीएम मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं, ठीक उसके एक दिन बाद आरजेडी की तरफ से महारैली होने वाली। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष मोदी लहर को कम कर पाएगा? तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी, आरएलजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता मयंक मौली जी, कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सौरभ जी का रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी, मोदी का मिशन 40 है, क्या विपक्ष इसका कोई काट निकाल पाएगी? ये बिल्कुल सपा, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है 2 तारीख को, यानी 2 मार्च को रैली होने वाली है। 2 जगहों पर यह रैली होगी, और पहला औरंगाबाद और दूसरा बेगूसराय। तो निश्चित रूप से अभी तक लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोनों तरफ से, चाहे एनडीए की बात करें या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें, दोनों तरफ से चुनावी शंखनाद जो है या चुनावी आगाज जो है वो जरूर हो जाएगा। एनडीए की तरफ से निश्चित रूप से 2 मार्च को, और महागठबंधन के तरफ से निश्चित रूप से 3 मार्च को। महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के तरफ से 3 मार्च को एक महारैली आयोजन किया जाना है बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसमें 10 लाख लोग जो हैं वो शामिल होंगे, और सभी पार्टियां जो है इंडिया गठबंधन की, तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी पूरी तैयारी भी कर रही है। कल जिस तरीके से हम सब ने देखा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 2 प्रचार गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया, और वो जो गाड़ियां हैं वो पूरे राज्य भर में घूमेगी और लोगों से अपील करेगी कि आप जो महारैली होने वाली है उसमें जरूर शामिल। इसके अलावा तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं, जनविश्वास यात्रा पर हैं, और अपने भाषण के दौरान वो लोगों को अपील भी कर रहे हैं, लोगों को निमंत्रण भी दे रहे हैं कि जो 3 मार्च को पटना में जो रैली होने वाली है उसमें आप लोग जरूर शामिल। तो दोनों के तरफ से तैयारी पूरी की जा रही है, और अपनी अपनी दावेदारी भी है दोनों के तरफ से। ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, और रैली के बाद अगर 5 मार्च की बात करें तो 5 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह भी पटना आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से तैयारी सबकी हो चुकी है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है लोकसभा में प्राप्त किया जाए, हासिल की जाए। और अगर 2019 की बात करें तो निश्चित तौर पर 2019 जो है वो एनडीए के नाम रहा है, 40 में से 39 सीटें, 1 सीटें जरूर कांग्रेस के खाते में आ गई थी, लेकिन 39 सीटें जो है वो एनडीए के पास थी। तो निश्चित रूप से एनडीए की इस बार भी कोशिश जरूर होगी कि कम से कम 40 नहीं तो 39 सीटें जो पहले हमारे पास थी उस पर जरूर जीत हासिल की जाए। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ये चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हैं हम जीते। पिछली बार 1 सीट जीती थी, वो भी कांग्रेस ने जीती थी, आरजेडी के खाते में 1 भी सीट नहीं आई थी। तो निश्चित रूप से इस बार आरजेडी की भी कोशिश रहेगी कि उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा सीटें आए। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जो है वो नीतीश कुमार के निकलने के बाद कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार यात्रा पे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, और जो जो भीड़ जुट रही है वह निश्चित रूप से अच्छी भीड़ है जिसे कहा जा सकता है, और लोगों का समर्थन तेजस्वी यादव को मिल रहा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भीड़ जो है ये वोट में कितना तब्दील होगी ये कहना अभी फिलहाल थोड़ी जल्दबाजी होगी। इसके लिए हमें और आपको लोकसभा चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा, उसके परिणाम का इंतजार करना सब। बिल्कुल ठीक है, सीधे अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, जो भीड़ अभी जनविश्वास यात्रा में दिख रही है, क्या ये वोट में तब्दील होगी? विपक्ष की तैयारी कैसी है मोदी लहर को कम करने के लिए? देखिए सभा जी, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और आप अनुमान जनता के मूड से ही कुछ तय कर पाते हैं कि चुनावी स्थिति क्या होगी, किसके पक्ष में हवा चल रही है, किसके पक्ष में लहर है।
तो जनता ही तय करती है, जनता के मूड पर ही आप लोग भी आकलन करते हैं। और आप जैसा कि सौरभ जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार की खास करके राजनीतिक गतिविधियों पर इनकी पैनी निगाह रहती है, तो इन्होंने ठीक ही कहा। और हमारे आदरणीय नेता 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं और पूरे बिहार की यात्रा उन्हें करनी है और 29 तारीख को पटना लौटेंगे। और अब तक हमें लगता है 2000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय कर ली लगभग। और हमें हर सभा में हमें लगता है कि 18 से 20 सभाएं उनकी हुई है, उसके बाद समय को देखते हुए वो सड़क मार्ग से रोड शो कर रहे हैं। तो 25 तारीख से तो रोड शो में भी आप देख रहे हैं अपार जन सैलाब, भीड़, उनका जो प्यार मोहब्बत जनता का मिल रहा है वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। आप तमाम मीडिया की निगाह है, देश भर की नजर है और खुद जो है मीडिया आकलन कर रही है और बता रही सच्चाई। 2 बजे रात में हुजूम, 2-2 बजे रात, 3-3 बजे रात, जहां तय शेड्यूल था 5 घंटे में पहुंचना था वहां 12 घंटे में पहुंच रहे हैं, मतलब 15 घंटे में पहुंच रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, इसका मतलब है जनता का भरपूर प्यार और भरपूर सहयोग आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मिल रहा है। और उनकी जो जनसरोकार की राजनीति है, उन्होंने जो शुरू की है मुद्दे की राजनीति, उन्होंने जो विकास की राजनीति, रोजगार परक राजनीति शुरू की है, निश्चित रूप से जन विश्वास यात्रा में यह पता चल रहा है कि जनता उस पर मुहर लगा रही है और जनता का विश्वास तेजस्वी यादव जी पर है। बिहार की उम्मीद तेजस्वी यादव जी बन चुके हैं, इसमें अब कहीं संदेह नहीं है, क्योंकि अब मुद्दे बनाम मोदी की लड़ाई है। क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार ने नौजवानों को, किसानों को, गरीबों को ठगने का काम किया है, झूठे वादे परोस कर बरगलाने का काम किया है, बिहार की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता समझ चुकी है। अलग अलग कोने में देखेंगे विपक्षी पार्टियों की जितनी भी सभाएं हो रही है, कार्यक्रम हो रही है, अपार जन सैलाब उमड़ रहा है। इसका मतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार से और प्रदेश में जो यहाँ बार बार जो है कि पलटने की राजनीति करने का काम किया, नीतीश कुमार जी से तंग आ चुकी है और जनता ने मन बना लिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जन विरोधी सरकार जो है उसे हटाना है। शबा जी, चलिए ठीक है। गोपाल जी, मोदी के मिशन 40 को कैसे कैसे रोक पाएंगे आप लोग, क्या काट निकालेंगे? वो 40 का सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप कितनी सीटें पे, आप कितनी सीट जीत पाएंगे? सबसे पहले सौरभ जी को और आपको सभा जी को नमस्कार और सभी प्रवक्तागण को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत अलग है और प्रधानमंत्री की नींद उड़ाने के लिए काफी है। उनका कोई ग्राउंड पर रियलिटी नहीं रह गया है। आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश ऐसे बहुत बड़े राज्य में 60,000 पद की सिपाही की बहाली के लिए 60 से 65 लाख एप्लीकेशन आए और बजाय कि उसको सही से कंडक्ट करा पाती वहां की बीजेपी और योगी जी की सरकार, वो पूरी तरह पेपर लीक हो गया। एक एक जिला में, एक एक चौराहे पर लाखों 60 लाख लड़के जो थे उन्होंने प्रदर्शन किया है और पूरे भारत में छात्रों को लेकर त्राहिमाम और आक्रोश है। तो ये कहना, जो आक्रोश है ना बीजेपी का, यही चीज आरजेडी और तेजस्वी जी के रैली में बिहार में झलक रहा है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो यूपी में चल रहा था, माननीय राहुल गांधी जी के पास जो चल रहा था, वो झलक रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम नहीं मानते हैं कि इनकी कोई लहर बच गई है। और प्रधानमंत्री जी अब जितना प्रोपेगेंडा कर ले, जितना समुद्र में डुबकी लगा ले, अब उनको चुनाव जीतना तो उनके दूर की बात है, रह गया वोटबैंक की बात। तो यूपी में 20 सीट उनके लिए मुश्किल है और बिहार में 15 से 20 सीट पर साफ हो जाएंगे, ये आप सभी लोग गवाह रहिएगा। इस चीज को आज आप नोट डाउन कर लीजिए, ये मेरा आकलन। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के समय आप वैकेंसी निकालते हैं। यूपी चुनाव से पहले 30 तारीख को, पिछले 30 तारीख को पूरे बिहार में रेलवे के आक्रोश को लेकर लड़कों ने विरोध किया और लड़कों ने जब विरोध किया तो आपने उस पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। क्या मैसेज जा रहा है भाई, किस तरह का सरकार आप चलाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी?
इस तरह से अमानवीयता नहीं होना चाहिए। तो आप सब लोग इंतजार कीजिए, बहुत जल्द परिणाम सामने आएगा। धन्यवाद। चलिए ठीक है, सुमित जी से जवाब ले लेते हैं। सुमित जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी आने वाले हैं, रैली होने वाली है पीएम की बिहार में, और यहाँ गोपाल जी का कहना है कि 40 तो सोच रहे हैं, बट 40 में से भी लगभग आधा भी नहीं मिलेगा उन्हें। देखिए, ये कहीं ना कहीं बिहार में एक अफवाह गैंग काम कर रहा है। वो अफवाह गैंग जो है वो लगातार एक प्रायोजित एजेंडा चला रहा है। वो एजेंडा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार से समाज में एक प्रचार प्रसार पर दुष्प्रचार फैलाया जाए। ये कहीं ना कहीं ये जो अफवाह तंत्र है उसका एकमात्र एजेंडा है कि विकास के मुद्दों से इतर होकर लगातार समाज में जो उन्माद है उसको फैलाया जाए। वो इसी प्रकार से लगातार यात्राएं कर इंडी अलायंस कहने का अर्थ क्या होता है? इंडी अलायंस कहने का अर्थ होता है एक ऐसी भ्रष्टाचार की मंडली जिसने 2014 से पहले देश को लूटा, जिसने देश के संसाधनों को बेच दिया, जिसने देश के संसाधनों का कहीं ना कहीं आपस में हिस्सेदारी कर ली। और आपने देखा होगा कि 2014 के पहले किस प्रकार से प्रायः बॉम्ब विस्फोट की घटनाएं होती थी, 2014 से पहले किसानों के साथ किस प्रकार से दोयम दर्जे का दुर्व्यवहार किया जाता था, किस प्रकार से युवा जो है वो पूरे देश में बेरोजगार होकर गल्फ कंट्रीज में पलायन कर रहे थे। तो ये इस प्रकार का एजेंडा सेट करने वाले लोग हैं। तब रही बात तेजस्वी जी की, तेजस्वी जी यात्रा कर रहे हैं, और मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि जब भी वो आम जनता के बीच में जाते होंगे, बिहार की यशस्वी जनता से जब नजरें मिलाते होंगे, तो क्या बताते होंगे? जंगल राज पार्ट वन की कहानी बताते होंगे क्या कि किस प्रकार से हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का पर्याय जंगल राज पार्ट वन बना हुआ था, किस प्रकार से चिकित्सकों के बच्चों का अपहरण हो जाया करता था, किस प्रकार से व्यवसायियों के बच्चों का अपहरण हो जाया करता था, किस प्रकार से आपने देखा होगा कि इस देश में तीन प्रकार के पलायन हुए थे और तीसरा पलायन क्वालिटी ब्रेन ड्रेन का बिहार में हुआ, यानी बिहार के बच्चों को पलायन पर मजबूर होना पड़ा। कहीं ना कहीं बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन इसलिए करा दिया गया कि अंधों में काना राजा कहानी जो है वो चरितार्थ हो सके। तो इस प्रकार का एजेंडा इन लोगों ने सेट किया। अब रही बात, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं बहुत ही विनम्रता पूर्वक बिहार की यशस्वी जनता से आपके चैनल के माध्यम से। दक्षिण भारत में ये पूरा का पूरा, पहले इंडी अलायंस को समझना है कि इंडी अलायंस में इन लोगों ने एक गठबंधन बनाया, किसके खिलाफ बनाया? तो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बनाया। अब ये भी समझना है कि दक्षिण भारत में एक दल है और दक्षिण भारत में एक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन का नाम है सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन। इसका जब आप शब्दार्थ निकालेंगे तो इसका मतलब होता है कि हिंदुत्व को खत्म करने का एक आंदोलन। और इसमें स्टालिन जाकर के कहते हैं, उदयनिधि स्टालिन का बयान आता है कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन एड्स है, इस प्रकार की बातें होती हैं। और उनके साथ गलबहिया किसने की है? राहुल गांधी जी ने की है। उनके साथ गले में गले मिला के कौन बैठे हुए हैं? तो तेजस्वी जी बैठे हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस बिहार में 13 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं, और जो हमारे गुण, हमारे गोत्र, हमारे धर्म, हमारे भगवान, हमारी धार्मिक आस्था को खत्म करने की बात करता है, उसी के साथ तो ये गठबंधन करके बैठे हैं, और इनके भी नेता लगातार हमारे सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो सिर्फ हम एक मूर्ति की पूजा की बात नहीं करते हैं। राम राज्य का अर्थ होता है कि अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को न्याय दिलाना, गरीबों के सपनों को पूरा करना, उनको बराबरी में बैठने का अधिकार देना, उनके बच्चों के सपनों को पूरा करना। चलिए ठीक है, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, तब तक मयंक जी के पास चलते हैं। मयंक जी, पीएम मोदी की रैली होने वाली है, ठीक एक दिन बाद आरजेडी की महारैली होने वाली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या एनडीए को बनाने की जरूरत है इंडिया से? सभा जी, हमने जितने मैं वही बता रहा हूँ कि हमने जितना काम किया है 2014 के बाद, मोदी जी की गारंटी है, वसुधैव कुटुंबकम की गारंटी है। कोई भी व्यक्ति जिसका भी जन्म भारत की धरती पे हुआ है, जो भारत को माँ मानता है, वैसे किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा, वैसे किसी भी व्यक्ति के हितों को और उनके संसाधनों को खत्म नहीं करने दिया जाएगा। उनकी धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने वाले लोग जो है
उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से एकजुटता के धागों में बंधा हुआ भारतवर्ष आगे बढ़ेगा। ठीक है सुमित जी। जी मयंक जी बोलिए। जी मैम, मैंने भी सारे वक्ताओं को सुना और विशेषकर राजद और हमारे कांग्रेस के साथी जो हैं, उन्हें मैं लिटरली मैं अगर याद दिलाना चाहूं तो बिहार की जनता विगत 10 वर्षों से भूल गई है कि कहिए राजद का जो सांसद होता था वो दिखता कैसा था। अगर मैं आपको पीछे ले चलूं, सौरभ भाई उसके साक्षात हैं कि 2014 के इनके चुनावी सम्मेलन रहे हों या 19 में रहे हों, वो डायलॉग्स कौन भूल सकता है जब मम्मी जी पापा जी मोदी बिजली आई बिजली मिली करके प्रधानमंत्री जी का मखौल उड़ाते थे। इनके संस्थापक लालू प्रसाद यादव जी, मंच भी टूट जाता था भरभरा के, इतनी भीड़ होती थी। वोटों का क्या हुआ? जब चुनाव के बाद जब पूछा गया तो आदरणीय राबड़ी देवी जी ने कहा कि लोग आता तो था मगर वोटें नहीं दिया तो हम क्या करें। तो मैं वही कह रहा हूँ, भीड़ जो है वो वोटों का पैमाना नहीं है। 14-19 अगर आप टेक्निकली देखिए तो 2010 के बाद से राष्ट्रीय जनता दल लेड जो गठबंधन है वो बिहार में लगातार कहिए कि खिसकता चला जा रहा है और आज तो लिटरली विगत 5 वर्षों से इनके शून्य सांसद हैं। तो इन्हें लिटरली कहिए माइनस से प्लस में आने की अभी इनकी परिस्थिति है। मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, युवा जोश है, उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार के ये जो बड़े बड़े जो हवाई दावे हो रहे हैं कि खाता नहीं खुलेगा तो फलाना नहीं होगा तो ढिमका नहीं होगा, तो मैं उस पर इन्हीं के नेता का याद दिलाना चाहता हूँ कि बड़े कहिए कि जिसको कहा जाता राजनीति में मस्खरेपन का पर्याय थे उस वक्त इनके संस्थापक जो थे, उन्होंने बहुत मजे लिए प्रधानमंत्री जी के। अंततो गत्वा क्या हुआ कि नेता आई सुनी, नेता ने लिटरली कहिए कि एक लाफ्टर क्लब सॉर्ट ऑफ कुछ ज्वाइन किया और जाकर के वोट कहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की, इनके युवराज जो हैं पिछले 10 वर्षों से कभी कहिए चौकीदार चोर है तो कभी राफेल तो कभी कुछ ना कुछ अलग अलग मुद्दे लगाए, वो दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन्हें 2-3 बार माफी मांगनी पड़ चुकी है और लगातार कहिए कि खंड खंड डॉटेड गठबंधन जो इनका था वो टूटता चला जा रहा है, जिसकी शुरुआत बंगाल से हुई अब दिल्ली और पंजाब तक जा चुकी है, थोड़ी साउथ की जो पार्टियां हैं और कुछ लेफ्ट जो दल हैं उनके साथ बस बचा हुआ है। आप अभी बिहार में देखिए लिटरली इनको ना कोई कवरेज है ना कोई इनके पास के जनता में कोई कहिए कि कोई उत्साह देखा जा रहा है। क्या है अपना भी बताइए, अपना भी बताइए, लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं, अपना भी बताइए। अरुण जी अरुण जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अरुण जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अरुण जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए, कितना अच्छा डिबेट चल रहा है, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, एकदम अरुण जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए, फिर इस तरह डिबेट खराब होता है, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, नहीं तो बोलना बीच में हमें भी आता है। चाहे मिर्चा लग गया, सही नब्ज दब गई क्या आप लोगों की? सही नब्ज भी है, जिस पार्टी का सामान सड़क पर फेंक दिया, जिस पार्टी का सामान सड़क पर फेंक दिया, अरे 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 एक सीट के लिए, अरे दीदी जी जीजा जी वाले पार्टी सड़क सड़क पे तो राहुल गांधी आ चुके हैं, राहुल गांधी आ गए गोपाल जी, सड़क पर तो राहुल गांधी जी आ गए हैं, जब है ना तो लड़ जाइए हाजीपुर, अरे सड़क पे राहुल गांधी आ गए हैं, राहुल गांधी सड़क पे आ गए हैं, अरे राहुल गांधी रॉबर्ट वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा के बच्चों की गुलामी करेंगे, रॉबर्ट वाड्रा के बच्चों की गुलामी करेंगे गोपाल जी, निर्दलीय शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए आप लोग। सुमित जी एक बात बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी आए थे अपनी यात्रा के दौरान और ड्राइविंग सीट पर उन्होंने तेजस्वी यादव को बैठाया था, तो ये तो तय हो गया ना कि बिहार में अगर इंडिया गठबंधन जो है वो उसकी ड्राइविंग सीट पर अब तेजस्वी यादव ही बैठे और तेजस्वी यादव खुद यात्रा पे है और जो भीड़ आ रही है और जिस तरीके से वो क्रेडिट ले रहे हैं 5 लाख नौकरी की, तो आगे भी जनता तो उनको चाहेगी ना। देखिए सौरभ जी, अगर पूरे देश के परिपेक्ष में एक राष्ट्रीय दल के विषय में आप बात कर रहे हैं, एक स्थानीय स्तर पर जो दल है उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले मैं बिहार की 40 सीटों की बात कर रहा हूं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, मैंने बिहार के विषय में ही बता रहा हूं। ये समझना पड़ेगा
कि राहुल गांधी जी को तो सबसे पहले लालू जी ने मटन बनाना इसीलिए सिखाया कि उनकी दुकानदारी जो है वो चौपट हो चुकी है और उनकी दुकानदारी जो है वो सड़क पे आ चुकी है। तो इस कारण से और बिहार में तो उनकी स्थिति पूरी की पूरी तरीके से खराब है। वो आज से नहीं खराब है, वो कितने वर्षों से खराब है और उसकी जो अनंत जो कहानियां हैं और अनंत काल जो है वो शून्य होने वाला नहीं है। तब रही बात, मैं आपको बता रहा हूं, ये जानबूझकर एक ऐसा एजेंडा, ये लंदन में जाकर के यूनिवर्सिटी में कोई कुछ बयान देते हैं, दिल्ली में बैठ करके कुछ बयान देते हैं, साउथ में जाकर के इनके नेता जो है वो बोलते हैं कि दक्षिण भारत को अलग कर दिया जाएगा। दक्षिण भारत में केरल में एक दल है जो कहता है कि हिंदुओं को मार करके मस्जिदों के आगे टांग किया जाएगा, तो उसकी तारीफ जाकर के ये लंदन के यूनिवर्सिटी में करते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि बिहार का बच्चा, बिहार के युवा जो है वो भी टेक्नोक्रेट है, ये सारी चीजें जो है वो निकल करके बिहार में भी आती हैं। तो सारी परिस्थितियां जो है वो बिहार के भी लोग देखते हैं, यूपी के लोग भी देखते हैं और सभी लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो नेतृत्व है वो क्षमता विहीन हो चुका है, इनको ऐसे ही निम्न स्तर के नेताओं की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु मैं आपको बता देता हूं कि इनका जो निम्नतम स्तर है वो भी आ चुका है, अब ये सड़क पे पहुंच चुके हैं। सड़क से जाकर के ये कहां पहुंचेंगे ये भी देखने की बात है। अब रही बात इनके नेता की, मैं बता रहा हूं, ये कहते हैं कि भीड़ लगती है, ये भी जानना पड़ेगा। सर्कस जब लगता है ना शहर में तो भीड़ बहुत लगती है, लेकिन सर्कस वाले को कोई वोट नहीं देता है। सर्कस में जो जोकर होता है ना उसको कोई वोट जाकर के नहीं करता है। बिहार की जो राजनीतिक चेतना है उसको समाप्त करने का काम जो है वो लगातार ऐसे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। चलिए गोपाल जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि यूपी में जो है वो एनडीए को यानी बीजेपी को 20 सीट भी नहीं मिलेगी, और जहां तक मुझे पता है कि शायद यूपी में आप लोग 20 सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो किस आधार पर कह रहे हैं आपकी एनडीए को नहीं मिलेगी? आप तो 20 सीट पर चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, जितना तो आगे की बात है। सौरभ भैया, इनकी राजमाता जो है उन्होंने बकायदा सीट छोड़ दी रायबरेली की, अब वो राज्यसभा चली गई है, और राहुल गांधी जी का सफाया हो गया। तो जो कांग्रेस की दो परंपरागत सीटें थी अब वहां से इनका सफाया हो चुका है, अब ये क्या बातें करेंगे जी, बताइए। गोपाल जी को बोलने दीजिए। गोपाल जी आप म्यूट पे हैं जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है, बताइए। पहले मैं बता देता हूँ कि बीजेपी प्रवक्ता और उसके जो अलायंस है ये सारे झूठ बोलने में निपुण है। बताइए कितनी सीट पर लड़ रही है कांग्रेस यूपी में कितनी सीटों पर लड़ रही है? जवाब दे दू, 10 साल से बिहार में बीजेपी है, डबल इंजन का वादा कर रही है। अरे राहुल गांधी जी से ज्यादा झूठ कौन बोलता है गोपाल जी? आप मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए सुमित जी, बीच में मत बोलिए। एक छोटा 10 आदमी का फैक्ट्री भी नहीं खोले, झूठ बोलना। और उसके बाद रेलवे में वैकेंसी नहीं आई, लाठी चार्ज किया गया, और कल एक सप्ताह पहले यूपी में 60 यूपी में सोनिया गांधी काहे छोड़ दी यूपी, 60 लड़कों ने जो भरा फॉर्म उसका पेपर लीक हो गया। अरे इनको तो सीख लेना चाहिए था बिहार के गठबंधन सरकार से कि कैसे 1.25 लाख नौकरी में 25,000 यूपी को, रायबरेली अमेठी क्या देंगे वो, अपने लोगों को क्या नौकरी देंगे वो बिहार में आए नौकरी लेने के लिए, ये सीख लेना चाहिए उनको। गोपाल जी मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस यूपी में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आप एक तरफ हमारा गठबंधन है, कांग्रेस कितने भी सीट पर लड़ेगी अपनी क्षमता के हिसाब से, हम दक्षिण भारत में ज्यादा लेंगे वहां अखिलेश जी कम तो लेंगे। वही तो यूपी के बारे में गोपाल जी वही तो मेरा सवाल है ना कि 20 सीटों पर यूपी में आप चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं और दावा ये कर रहे हैं कि 20 सीट भी नहीं जीतेगी। गठबंधन लड़ रही है ना, गठबंधन लड़ रही है, अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, उतने मजबूत नेता हैं, गठबंधन लड़ रही है। मैंने तो ये बताया कि 20 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए आफत है, और दुर्भाग्य देखिए कि जहां जहां राहुल गांधी जी जाते हैं उनका पैर का धूल लगाने के लिए प्रधानमंत्री छोड़ के आते हैं, और सुने कि औरंगाबाद में रैली होने वाला है, बनारस में रैली कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितनी बेताबी है। औरंगाबाद में दिखाने जाएंगे कि राहुल गांधी से ज्यादा आदमी मेरे पास पे है, भाड़ा पर भर के लाओ, डरा धमका के लाओ, सरकारी बस साफ हो चुका है। गोपाल जी साफ हो चुका है, हमारे पास कोई सरकारी तंत्र नहीं है, उसके बाद वो जो रैली आ रही है, अरे अमेठी काहे हार गए, वो स्वेच्छा से आ रही है,
और आप जो सरकारी तंत्र का आप औरंगाबाद आ जाएगा इतना जल्दी, एक ही सप्ताह में भीड़ देख के हालत पतला हो गया कांग्रेस का। प्रधानमंत्री जो है ना कुआं के मेढक है, उनको लगता है कि कूप मंडूक बन चुके हैं प्रधानमंत्री और उनकी क्षमता नहीं अब है। ये भी बता दीजिए कि स्टोव में कैसे ज्यादा और कुछ आपसे उम्मीद भी नहीं है, इससे ज्यादा और भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। आपके जो राहुल गांधी है, आपके राहुल गांधी, आपके राहुल गांधी से कुछ सीखा ही नहीं आपने। सुमित जी शांत हो जाइए, गोपाल जी शांत हो जाइए। जिससे सवाल पूछा जाए वही बोलिए। अगर आप लोग आपस में बात करते रहिएगा ना तो फिर चर्चा का कोई मतलब नहीं बनता। जरूर आगे बढ़े। अरुण जी आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले, बीजेपी कह रही है कि सर्कस देखने बहुत लोग आते हैं लेकिन वो लोग वोट नहीं करते हैं, सर्कस देख के चले जाते हैं। देखिए सौरभ जी, ये लोग तो सर्कस वाली पार्टी है, जुमलेबाज हैं, झूठ और नफरत की राजनीति करते हैं। इनको कहां पता, इनको तो पता चल ही गया होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हाल हुआ। बाल साफ करो, और कौन बोलता था अरुण जी? और मैं के बीच में मत बोलिए प्लीज। सौरभ जी मात्र 12,000 मत से हम पीछे रहे ना महागठबंधन। महागठबंधन अकेले दम पे लड़ रही थी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। एनडीए के तरफ नीतीश जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र जी, मांझी जी, सहनी जी, आपने देखा ना अकेले दम पर 33 साल के नौजवान तेजस्वी यादव जी ने 33-33 हेलीकॉप्टर उनके पीछे चलता था, सबको मुंह खानी पड़ी। अगर शासनादेश के बल पर हमारे उम्मीदवार को नहीं हराया जाता, एक दर्जन से अधिक उम्मीदवार को हरा दिया गया, जीता हुआ उम्मीदवार 12 वोट से, 25 वोट से, 50 वोट से, 100 इस बार हवाई जहाज में बर्थडे कब मनाएंगे बताइए ना। तो इसलिए देखिएगा हम लोग तो बर्थडे मनाएंगे ही, आप देखते रह जाइए। हवाई जहाज में बेचैन मत, हवाई जहाज में बर्थडे मनाइएगा और गरीबों के माल की बात कीजिएगा। सुमित जी आपके पास भी आएंगे। ये मुद्दा आज का नहीं है, हवाई जहाज में बर्थडे मनाना। अगर कोई एक बोल रहा है ना तो एक बार सुन तो लीजिए, चिंता मत करिए। बेचैनी की दवाई बिहार की जनता देने वाली है, चिंता मत करिए। बिल्कुल आपको देने वाली है। सौरभ जी आपने देखा लगातार जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है, वही भारतीय जनता पार्टी का जो भी आज तक कार्यक्रम हुआ आपने देखा होगा। बापू सभागार में 50 नेता मंच पे थे और जो है कि आगे सामने जो है 50 आदमी नहीं था, 100 की भीड़ नहीं थी। आपने देखा होगा मिलर हाई स्कूल में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, पूरा ग्राउंड खाली था। इनको सुनने वाला कहाँ है, आ रहा है ना औरंगाबाद में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के नुक्कड़ सभा में 12 बजे 2 बजे रात में जितनी भीड़ जुटती है, उतनी भीड़ अगर पीएम मोदी की सभा में भारतीय जनता पार्टी जुटा दे तो मैं मान जाऊंगा। क्या यही तो झूठा प्रचार फैला रहे हैं आप लोग। सुमित जी दो बातों का जिक्र किया अरुण जी ने, बापू सभागार, मिलर हाई स्कूल। बात तो सही है, हम भी कवर करने गए थे, भीड़ नहीं थी, आपके नेता की संख्या ज्यादा थी, कार्यकर्ता नहीं थे, मुझे भी याद है। और 2020 का विधानसभा चुनाव अकेले तेजस्वी यादव जो है वो प्रचार कर रहे थे और सामने में नरेंद्र मोदी के अलावा नीतीश कुमार सब लोग थे। आप लोगों का 15-16 हेलीकॉप्टर रोज उड़ रहा था और सामने में एक ही हेलीकॉप्टर केवल तेजस्वी यादव का, सबसे बड़ी पार्टी 2020। देखिए सौरभ जी, ये कहीं ना कहीं अरुण जी और राजद का जो यह अफवाह तंत्र है, ये लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि को खराब किया जाए। ये एक तरीके से पूरे बिहार की नौचेतना को खराब करने वाले लोग हैं। और ये भी समझना है कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है, बार बार मैं कहता हूँ। सौरभ जी मैं बार बार यही बताता हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ 2020 की बात बता रहा हूँ, मैं 2020 के विषय में ही सौरभ जी बता रहा हूँ। ये लगातार जानबूझकर के दिग्भ्रमित करने वाली बातें करते हैं। ये छोटे छोटे ग्राउंड बुक कराते थे और छोटे छोटे ग्राउंड में जो लोग, मैंने बार बार बोला
सर्कस देखने के लिए तो हजार बड़ी लोग आते हैं, लेकिन सर्कस वाले को वोट देते हैं क्या? कैसे बन गई सुमित जी? पूरा का पूरा मैं बता रहा हूँ ना, पूरा का पूरा आरजेडी में आप तुलनात्मक अध्ययन करके देख लीजिए, बिहार के बहुत सारे लोगों ने, बड़े नेताओं ने और बिहार के ज्यादातर लोगों को ये पूरा का पूरा विश्वास है और वो जानते हैं कि सबसे ज्यादा प्रत्येक क्षेत्र में सबसे ज्यादा अपराधियों को किसने संरक्षित करके रखा है, तो आरजेडी ने संरक्षित करके रखा है। सौरभ जी बिहार में मैं बता रहा हूँ, सौरभ जी बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उसको जानबूझकर ये लोग गलत तरीके से उनको खत्म करना चाहते हैं। सुमित जी मेरी बात सुनिए, जो भी जमीन माफिया है, जो भी बालू माफिया है, सौरभ जी ये भी समझना है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हजारों कार्यक्रम होते हैं और सब में भीड़ रहती है, ये कभी भी ये फैलाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रम में न केवल अंदर और बाहर भी भीड़ रहती है, और मिलन स्कूल की बात करें, मिलन स्कूल में 12,000 और बाहर 12,000 में खड़े थे, 24,000 से ज्यादा लोग मिलर स्कूल में खड़े थे। ये लोग जानबूझकर ऐसा प्रचार प्रसार करते हैं, राजद प्रायोजित अपवाद तंत्र और गुंडा तंत्र लगातार बिहार की आबादी को प्रभाव अपने प्रभाव में लेना चाहती है। सुमित जी सवाल ले लीजिए, सुमित जी सवाल ले लीजिए। चलिए मैं समझ गया, 12,000 अंदर थे, 12,000 बाहर थे, जिसको हम लोगों ने भी नहीं देखा शायद। चलिए मैं ये कह रहा हूँ, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया की जिसकी चर्चा आप लोग लगातार कर रहे हैं, अब तो आपकी सरकार बन गई ना, तो एक एक करके निकालिए, जो भी बालू माफिया है, जो भी शराब माफिया है, जो भी जमीन माफिया है, सबको निकालिए बाहर। अभी तक आप लोगों ने, एक मिनट, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। आप बोले हर विभाग की समीक्षा की जाएगी, जो भी गड़बड़ी हुई उसको सामने निकाला जाएगा। कितने दिन हो गए सुमित जी, कितने दिन हो गए, पहले ये बताइए कितने दिन हो गए? आप लोगों ने जो बोला था उस पर कितना दिन हो गया? अभी तक एक विभाग की भी गड़बड़ी जो है आप लोग सामने नहीं ला सके हैं। देखिए सौरभ जी, ये समझना पड़ेगा और पूरा बिहार इस बात को जानता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। और रही बात बिहार में जो आप गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, सौरभ जी जो आप गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, गिन गिन कर एक एक व्यक्ति जो भी राज्य के संसाधनों को जिसने भी लूटने का काम किया है, राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र ने जितना राज्य को लूटने का काम किया है, राज्य के संसाधनों को समाप्त करने का काम किया है, एक एक व्यक्ति से हिसाब लिया जाएगा। और आपको ये जो चारा चोरी करने वाले जो लूटेरों का गैंग है, कितना समय चाहिए सौरभ जी? कुछ ही समय की बात है। आप यहीं पर बैठ के भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेंगे, आप तारीफ करेंगे, स्वयं तारीफ करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। समय आने दीजिए, आप स्वयं तारीफ करेंगे। ये जो राजद प्रायोजित अपवाद तंत्र, गुंडा तंत्र, बालू माफिया, शराब माफिया, ये सब दर्ज हुए हैं, ये दर्ज हुए हैं। हमारे नेता ने कहा कि आप ये तो नेता भागेंगे, नहीं तो इनका गया में पिंडदान होगा। ऐसे अपराधियों का जब जाएंगे तब बात करेंगे। सुमित जी पहले आप भेज दीजिए, सुमित जी पहले आप पकड़ लीजिए, पहले आप नेपाल भेज दीजिए अपराधियों को, उसके बाद बात करेंगे। केवल भाषणबाजी से काम नहीं होता। मैं सौरभ जी, भाषणबाजी नहीं है, ये राष्ट्र कल्याण की बात है, ये देश की बात है। पहले लगातार कर रहे हैं, तभी तो आज बिहार, अरे तभी तो आज शांति है बिहार में, तभी तो आज शांति है। जो जंगल राज के बाद ये जो बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया आगे हुए, सभी तो समझना है सुमित जी। सुमित जी किस शांति की बात कर रहे हैं? कल जो IGIMS में हुआ उस शांति की बात कर रहे हैं आप? आपका नेता रिवॉल्वर लेकर वो फहरा रहा है, इस शांति की बात कर रहे हैं आप? सौरभ जी मैं आपको बता रहा हूं कि
भारतीय जनता पार्टी लगातार एक विजन के तहत काम करती है। मैं बार बार कहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी का विजन है, भारतीय जनता पार्टी का विजन है समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम करना। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपराध में लिप्त पाया जाता है, चाहे वो किसी दल से भी आता हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सौरभ जी, मैं भाषणबाजी नहीं कर रहा हूँ। सौरभ जी, मैं बहुत ही शांतिपूर्वक बता रहा हूँ कि अरे 2 करोड़ रोजगार, मैं आपको सौरभ जी बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो किसी न किसी अगर आपराधिक गतिविधि में किसी भी दल से आने वाला व्यक्ति अगर लिप्त है, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही जो है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है और आगे भी करता रहेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर एनडीए की सरकार चल रही है और अपराधियों को संरक्षण देने का काम केवल राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र करता है, जेपी जी करते हैं और लालू जी करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं बालू माफिया, भू माफिया, जमीन माफिया, इसके अलावा ये भी समझ रहा कि जमीन का घोटाला किया, चारा चोरी किया, बिहार के बेटों की हड्डियां जला दी, ये भी तो समझना है ना सौरभ जी। सुमित जी, सुमित जी, सुमित जी, आपके कुछ दिन ज्यादा रुक जाइए गोपाल जी, कुछ दिन में रोहमट वाड्रा के बच्चों के तलवे सहलाने पड़ेंगे आपको, कुछ दिन में रोहमट वाड्रा की पड़ेगी और उसके बाद रोहमट वाड्रा के बच्चों की गुलामी करेंगे। अरुण जी शांत हो जाइए। बैंक की एक बात बताइए, छोटी सी जो समस्या थी आपके साथ, मतलब चाचा भतीजा की जो समस्या थी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र, उसका समाधान आज तक नहीं निकला। पिछले 6 महीने से, गोपाल जी शांत हो जाइए, पिछले छह महीने से सब लोग देख रहा, दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है जी। तो कैसे मान ले कि आप लोगों में, ठीक है इंडिया गठबंधन तो काफी आगे है, कई राज्यों में तो उनके सीट शेयरिंग का जो है वो भी फाइनल बातचीत हो गई, गठबंधन भी हो चुका है। आप लोग लगातार कह रहे थे कि यूपी में नहीं होगा, केजरीवाल से नहीं होगा, सब जगह लगभग फाइनल बातचीत हो गई है। तो आप लोगों में छोटी सी जो समस्या थी उसका समाधान तो अभी तक नहीं निकला, तो आगे कैसे मान ले कि आप लोग जो हैं एकजुट हैं, एक साथ चुनाव लड़ेंगे, 40 में 40 सीट लड़ेंगे, जीतेंगे, ये कैसे माना जाए? जी देखिए, उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि सिटिंग गेटिंग गो वाले फॉर्मूले पे कहिए गठबंधन चलता है। हमारे नेता जो कि उस सीट से जीत के केंद्रीय मंत्री भी हैं, मोदी सरकार में घटक दल के तौर पे इकलौते कैबिनेट मंत्री हैं। तो रही बात अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, श्री नड्डा जी के पास हमारे सारे सांसदों की बैठक हुई, लिटरली आप उसको राजनीतिक रूप से परेड का भी नाम दें, मुझे उस पर आपत्ति नहीं है। तो जो संख्या बल जो है वो, बाकी चीजें क्या है वो हमारे गठबंधन के अंदर उस पर बातचीत चल रही है। और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि हमारे इस जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, जो आपने चर्चा की है, उसको लेके गठबंधन की सेहत पे कोई असर नहीं है। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, एनडीए समन्वय समिति की बैठक जो है बहुत लगता है 2-4 दिनों में बैठेगी और जो भी फॉर्मूला होगा वो बिल्कुल तय कर लिया जाएगा। अब रही बात, मैं अपने दो साथी जो कांग्रेस और राजद के जो हमारे साथी बैठे हैं, मैं भी, आपको नहीं लगता है कि इस समस्या का समाधान जो है वो बीजेपी 1 मिनट में कर सकती है? क्यों नहीं कर रही है? जनता के बीच भ्रम तो आप लोगों ने पैदा कर दिया है ना, भ्रम की स्थिति जो बनाए हुए हैं। चिराग पासवान जाते हैं तो वो नहीं, चिराग पासवान लगातार दावा करते हैं कि हाजीपुर सीट मेरी है, मैं वहां से लड़ूंगा चुनाव। अब देखिए, चिराग पासवान जी क्या दावा करते हैं वो तो मेरे हाथ, मेरे कहिए कि उसके ज्यूरिडिक्शन पावर से इतर है, वो चाहे तो वो नहीं, आपके साथ गठबंधन में है, आपके साथ गठबंधन में, हमारे वो एनडीए में वो भी हैं, आप भी हैं, तो वो अलग दल हैं सर, उनका फैसला उनकी पार्टी करेगी, मेरा हम अपनी पार्टी के लिए जिम्मेदार। गठबंधन तो एक ही है ना, गठबंधन तो एक ही है ना, ये 39 अलग अलग है, गठबंधन तो एक ही है भारतीय जनता पार्टी से। तो हम अपनी बातें, हमने अपनी भारतीय जनता पार्टी हमारे बड़े घटक दल के पास रखी, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। जब टेबल ऑन टेबल बैठक होगी एनडीए समन्वय समिति की, दो बातें क्लियर हो जाएंगी। रही बात, वो भी मोदी जी के लिए कार्य कर रहे हैं और हम भी उनके लिए कार्य कर रहे हैं, जहां पे बड़ा लक्ष्य है वहां लेकर के आपस में कोई फूट नहीं है। और 40-40 जो किशनगंज की सीट है, इस बार हम लोग वो भी जीतने जा रहे हैं, हमारे राजद के साथी और खास तौर पे कांग्रेस। चलिए, समय की कमी है, सबके पास जाना है। अरुण जी, 40 में से कितनी सीटें?
आधार जनता क्या है? का जो जनता का जो मूड है आप देख रहे हैं, जनता मालिक के बीच हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी हैं, पूरे बिहार में तेजस्वी लहर है, इस लहर के सामने कोई लहर नहीं टिकने वाला है। तेजस्वी की गारंटी महीने में 17 महीने में जो काम किया है, सुमित जी टोका टोकी बीच में मत कीजिए प्लीज। 17 महीने में जो हमारे नेता ने जो वादा किया था 5 लाख नौकरी देने का काम किया है, जाति आधारित गन्ना करा के, चलिए मतलब नौकरी का आधार है, मैं समझ गया, अपवाद देंगे, मैं समझ गया, इसी प्रकार से काम करते हैं, समझ गया, क्रेडिट चोरी करने का काम करते हैं, आधार नौकरी है, ठीक है। गोपाल जी 40 में से कितनी सीटें और आधार क्या है, किस आधार पर आप कह रहे हैं, कम शब्दों में अपना जवाब दीजिए। एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि जो एलजेपी का जो दो धड़ा है ये गुलाम है और गुलाम सवाल नहीं पूछता है, जो मालिक दे देंगे वो पा लेगा, ठीक है। जवाब 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 रॉबर्ट वाड्रा के बच्चों के सवाल करते हैं क्या, मैं जवाब दे देता हूं, मुझे जवाब देने दीजिए। गठबंधन प्रातः आचमन करके सुबह आने वाले बिस्कुट खाने वाले लोग 22 से 24 से, ठीक है ठीक है ठीक है। सुमित जी सोनिया गांधी काय भाग गए, ठीक है ठीक है। सुमित जी मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, कि इन लोगों ने चारा चोरी किया, जमीन चोरी किया, बिहार के इन लोगों ने चारा चोरी किया, जमीन चोरी किया, अलकतरा चोरी किया, अब क्रेडिट चोरी करने का काम करते हैं, ये सब क्रेडिट चोरी करने का काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों का भी जो क्रेडिट है उसको भी चोरी करने का काम ये लोग करते हैं। बिहार की मानसिकता गुलामी की मानसिकता बनाने में लगे हुए हैं, गुलामी की मानसिकता बनाने में लगे हुए हैं बिहार को, ये पूरा का पूरा गुलाम तंत्र है, कांग्रेस के तलवे चाटने वाले जो लोग हैं वो पूरा का पूरा गुलाम तंत्र बना करके रखे हुए हैं, गुलामी की मानसिकता में जकड़े हुए हैं, कभी भी देश की अस्मिता, गरीबों का कल्याण, आदिवासियों के कल्याण के लिए बात नहीं कर सकते, बच्चों के तलवे जो लोग आगे चल के उनके बच्चों के तलवे भी फैलाएंगे सनातन के। चलिए चलिए शांत हो जाइए आप लोग, तो ठीक है सौरभ जी, मैं लिख करके देता हूँ, रॉबर्ट वाड्रा के बच्चों के तलवे फैलाएंगे कुछ दिन में ये लोग। सुमित जी ये मेरा सवाल नहीं था, तो सब आपने देखा कि निश्चित रूप से दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि 40 में 40 सीटें आएंगी, लेकिन कितना किसके खाते में आएगा, किस गठबंधन को कितना फायदा होगा, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि दोनों गठबंधन की अगर बात करें तो दोनों गठबंधन में अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात होती है राजनीति में कि किसके खाते में कितनी सीटें आएगी। हालांकि दावा चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, नीतीश कुमार हो, सबकी सबके जो दावे हैं वो ज्यादा से ज्यादा सीटों का, चाहे कांग्रेस ही क्यों ना, कांग्रेस भी कह रही है कि 8 से 10 सीटें हमें चाहिए, कारण पिछले बार अगर याद होगा तो 2019 में कांग्रेस जो है वो 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और ये देखना होगा कि किसके खाते में कितनी सीटें गई है, और उसके बाद ही ये पता चलेगा कि जो यात्रा चल रही है तेजस्वी यादव की या राहुल गांधी की जो सभा होने वाली है, महारैली जो होने वाली है, उसमें ये निश्चित रूप से भीड़ का पैमाना जो होता है वो सब कुछ नहीं होता, वो ये तय नहीं करता है कि वो वोट में तब्दील होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ एक डायरेक्शन जरूर दिखाता है, एक हवा का रुख किधर है ये जरूर स्पष्ट करता है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव में 2024 में किसके खाते में कितनी सीटें आएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां तेज है, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, सबका कहना है कि वो 40 सीटें उनके खाते में जाएगी, लेकिन कब क्या हो जाए चुनाव में ये कहना मुश्किल है, और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि असल में 24 के चुनाव में कौन विजेता होता है, किसके पाले में कितनी सीट जाती। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 बिहार।